नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ आरती में क्यों जलाते हैं कपूर। जाने इसके सेहत से जुड़े फायदे। घर में लाती है सकारात्मक ऊर्जा। सुबह की आरती घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और घर में शांति बनाए रखती है। कपूर की खुशबू से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, बुरे सपने नहीं आते। इस पर कई शोध भी हो चुके हैं और वैज्ञानिक शोधों से भी इस बात की पुष्टि भी हुई है कि कपूर की सुगंध से घर के वायु में उपस्थित जीवाणु विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीवों को नष्ट कर देती है, जिससे घर में बीमारियों के पैदा होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। दूर करें अनिद्रा की समस्या। जिस किसी को भी रात में सोने में समस्या होती है, रात में नींद नहीं आती, उनके लिए कपूर काफ़ी फायदेमंद है। इसके लिए रात में सोने से पहले कपूर जलाकर घर में धुआं कर दें, इससे आसानी में रात में अच्छी नींद आती है। कमर दर्द दूर करें। कमर दर्द या जोड़ों के दर्द की समस्या है तो कपूर के तेल से शरीर की मालिश करें। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द ठीक हो जाएगा। कपूर से गठिया का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके लिए केवल गठिया के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रीम में कपूर का प्रयोग कर दर्द वाले हिस्से में लगाने की ज़रूरत है। बालों को मजबूत बनाएं। तेल में कपूर गर्म करके बालों में इस्तेमाल करें, इससे बालों में रूसी और जुओं की समस्या नहीं होती। कपूर का तेल बालों में लगाने से बालों के झड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है और बाल लंबे व घने बनते हैं। नियमित तौर पर कपूर के तेल से बालों की मालिश करने से बाल मजबूत बनते हैं। पिंपल की समस्या दूर करें। मुहासों के लिए कपूर एक अच्छी घरेलू औषधि है। अगर चेहरा बहुत ड्राई है तो कपूर के तेल से चेहरे की मालिश करें। इसके अलावा कपूर त्वचा पर होने वाले लाल चकत्तों को भी दूर करता है। वायु में घुली कपूर जब त्वचा द्वारा अवशोषित की जाती है तो शरीर में मैथान जैसी कूलिंग सेंसेशन पैदा होती है, जिससे बॉडी रिलैक्स होती है, जिससे कि हाथों और आँखों के इरिटेशन की समस्या नहीं होती। इसके अलावा त्वचा की फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।